निगरान हुकूमत के इख्तियारात के मामले पर हुकूमत इतिहादियों को मनाने में कामयाब हो गई। निगरान हुकूमत से मुतालिक शिक 230 में तरमीम कर दी गई। निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर-ए-आला के इख्तियारात देने का मामले पर इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में दफा 230 से मुतालिक पीपल्स पार्टी और JUIFA के इख्तलाफात खत्म हो गए। निगरान हुकूमत को वसी और लामहदूद इख्तियारात न देने पर इतफाक कर लिया गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा है कि सिंध में भी एक बड़ा सियासी इतिहाद बनने जा रहा है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के लिए वहां भी मुश्किलात हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी को लगता है कि इस दफा फिर सिंध तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कोई नई डिश मुतारिफ करवाई जा रही है। पंजाब हुकूमत ने आशूरा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9-10 मुहर्रम को पंजाब में आम तातील होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी से आशूरा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28-29 जुलाई 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील होगी। रहनुमा इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकवान का कहना है कि 9 मई के बाद सियासत में जो जलजला पैदा हुआ था वो लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि कठिन ज्यादा सियासी माहौल के अंदर इस्तेकामे पार्टी का वजूद ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून के अहम वफाकी वजीर ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ ने अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आना था, लेकिन आसिफ जरदारी चाल चल गए, जिसकी वजह से अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद फैसला होगा कि वो कब आएंगे।